हेलो गाइस, होप यू वेल। और आज हम समझेंगे कुछ सुपरस्टिशंस के बारे में। मतलब आज मैं आपको ऐसा कुछ सुपरस्टिशंस के बारे में बताऊंगा जो आप लोग फॉलो तो करते हो, मतलब आप लोग फॉलो करते हो या फिर आपके घर में कोई फॉलो करता है या फिर आपके आजूबाजू कोई ना कोई फॉलो तो करता ही है, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे सुपरस्टिशंस भरे पड़े हैं। और इस बारे में मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसका प्लेलिस्ट आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। खैर, तो इसीलिए आज मैं आपको ऐसा ही कुछ सुपरस्टिशंस बताऊंगा और उसके पीछे का साइंस भी बताऊंगा कि एक्चुअल में क्यों शुरू हुआ था और क्यों किया जाता है। सो इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि अगर आप किसी फ्यूनरल सेरेमनी में जाते हैं तो वहां से आकर के आपको नहाना क्यों पड़ता है, और फिर मंगलवार को या फिर गुरुवार को बाल क्यों नहीं कटवाना चाहिए, और अगर छिपकली आपके ऊपर गिर जाए तो फिर इसका मतलब बैड लक क्यों माना जाता है, और ऐसे दुकानों में या फिर कहीं पे भी ऐसे बुरी नजर से बचने के लिए हरी मिर्च और नींबू क्यों लगाया जाता है, उसके पीछे का एक्चुअल साइंस क्या है। और ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इस सब के पीछे का साइंस क्या है। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या होगा कि आपके घर पे या फिर आपके आजू बाजू कोई भी करता हो या फिर आप खुद भी करते हो तो फिर आपको पता होगा कि इसके पीछे ये कारण है, और आप उन लोगों को बता पाओगे कि ये एक्चुअल कारण है और इसी वजह से ये पालन किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर आप इंडियन हो तो फिर आप कभी ना कभी ये बात तो घर पे सुने ही होंगे कि आप किसी भी अगर शुभ काम के लिए जा रहे हो तो फिर दही और चीनी खा के जाओ, उससे तुम्हें सौभाग्य होता है और उस काम में तुम्हें सफलता मिलता है। और ऐसी बातें फैमिली के बुजुर्ग कहते हैं और इसीलिए आपको पालन भी करना पड़ता है। और इसके पीछे का जो एक्चुअल कारण है वो शायद आपको पता नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप बाहर जाते हो कहीं पे भी शुभ काम के लिए, अच्छे काम के लिए, तो जब आप ये दही खाते हो तो पेट को ठंडक मिलती है, और उसमें अगर आप चीनी भी मिला देते हो तो उससे वो ग्लूकोज का काम करता है, और उसकी वजह से आपका पेट जो है वो बहुत अच्छा रहता है। और अगर पेट अच्छा रहेगा तो फिर शरीर भी सही से काम करेगा और माइंड भी स्टेबल रहेगा, और इसी वजह से आप अपना जो काम है उस पर आप 100% दे पाओगे और उस काम में आपको सफलता प्राप्ति होती है, और इसी वजह से ही ये पालन किया जाता था। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो मिलेगा ही मिलेगा, मगर हाँ, सफलता मिलने की जो संभावनाएं हैं वो काफी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो बॉडी है और माइंड है वो स्टेबल है और उस काम में आप 100% दे पाओगे। सो नाउ नेक्स्ट नंबर टू, अगेन अगर आप इंडियन हो तो फिर आपको ये भी कभी ना कभी सुनने को मिला होगा कि कुछ सर्टेन डेज में हफ्ते के, जैसे कि मंगलवार हो गया, गुरुवार या फिर शनिवार को बाल काटना या फिर नाखून काटना नहीं चाहिए, वो अपशकुन या फिर अशुभ माना जाता है। तो इसके पीछे जो साइंस है वो आपको समझना चाहिए। सो वो ये है कि मतलब आज से कहीं साल पहले इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग खेती का काम करते थे, तो उस टाइम भी क्या होता था कि नाई लोग जो है उनको अपने खेती के लिए टाइम ज्यादा नहीं मिल पाता था और अपने फैमिली के लिए भी टाइम ज्यादा नहीं मिल पाता था। सो इसी वजह से जैसे हमारे लिए जैसे नॉर्मली संडे होता है जिस दिन ऑफिस वगैरह सब बंद रहते हैं, सो इसी वजह से वो लोग ऐसे हफ्ते में एक दो दिन छुट्टी लेते थे ताकि वो अपना ही ऐसे काम कर सके, और इसी वजह से ये शुरू किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसे सुपरस्टिशन बना दिया गया। और हमारा ये जिम्मेदारी है कि इस बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। सो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल कारण क्या है। आपने तो ये कभी ना कभी सुना होगा कि तुलसी के पत्ते को कभी चिबाना नहीं चाहिए, उसे निगल लेना चाहिए। तो इसके पीछे का जो साइंस है वो बड़ा सिंपल है। तुलसी के पत्ते को चिबाना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा मात्रा में आर्सेनिक होता है। तो इस प्रकार से अगर आप तुलसी के पत्ते को चिबोते हैं तो इससे इनेवल का डिग्रेडेशन होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसे चिबोना नहीं चाहिए, उसे निगल लेना चाहिए। नंबर फोर, फाउंटेन और नदियों में सिक्के फेंकने से आपका अच्छा होता है। और इसके पीछे का जो साइंस है वो भी बड़ा सिंपल है, क्योंकि आज से कई साल पहले क्या होता था कि उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा तांबे का जो सिक्का होता है वो यूज किया जाता था, और ज्यादा से ज्यादा लोग नदियों या फिर तालाब का पानी ही पीते थे। तो इसी वजह से क्या होता था कि तालाब का पानी में जब सिक्का कोई फेंकता था, क्योंकि वो तांबे का होता था और साइंस के मुताबिक, और जब तांबा पानी में जाता है वो 99.9% संक्रमण पैदा करने वाले जो जीवाणु होते हैं उसको मार सकता है, और इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने ये किया था। और आज के टाइम में इसे फॉलो करने का कोई एक्चुअल रीजन नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में ना ही हम ऐसे कोई नदियों का पानी पीते हैं डायरेक्टली, और ना ही कोई तालाब का पानी पीते हैं, और ना ही आजकल ये तांबे का सिक्का चलता है। सो ये सब आज के टाइम में फॉलो करने का कोई कारण नहीं बनता, और इसी वजह से ये सब मानना भी नहीं चाहिए आज के टाइम में। नाउ नेक्स्ट नंबर फाइव, आप ये बात भी बहुत बार सुनते होंगे कि अगर घर में कभी भी चंगादड़ घुस जाता है तो इसका मतलब कोई ना कोई मारा जा सकता है, ऐसा माना जाता था, मतलब इसे अपशकुन माना जाता था। और इस अंधविश्वास के पीछे का असली कारण यह है कि चंगादड़ अपने साथ बहुत सारे घातक बीमारियां लेके आते हैं, और उन दिनों जब कोई भी चिकित्सा का सुविधा उपलब्ध नहीं था तो लोगों को रेबीज या फिर इबोला या फिर निपा ऐसे खतरनाक बीमारियां होता था, और इसी वजह से लोग मर जाते थे, और इसी वजह से ये सब बहुत पहले माना जाता था। और आज के टाइम में ये सब ज्यादा नहीं माना जाता है, क्योंकि आज के टाइम में तो हॉस्पिटल है हर जगह पे, और हमारे जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो भी बहुत अपग्रेड हो चुका है, और वैसे भी अभी तो चंगादड़ इतना ज्यादा देखने को भी नहीं मिलता है। तो यही सिंपल सा सच्चाई था इसके पीछे का। एंड नाउ नेक्स्ट नंबर सिक्स, पीपल के पेड़ में रहते हैं भूत, और ये मिथ आज तक कायम है, लेकिन इसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है जो कि आपको भी पता है,
पेड़ दिन में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और हमें इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। और रात को पेड़ क्या करता है, पूरा इसका उल्टा करता है। सो अगर आप कभी भी रात को इस पेड़ के नीचे सोते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है वो आपके बॉडी में बढ़ जाता है और इसी वजह से आपको घुटन महसूस होने लगता है, और ऐसे भावना आपको किसी भी आत्मा के बस में होने का एहसास दिलाता है, और इसी वजह से लोगों को लगता है कि पीपल के पेड़ में भूत होते हैं। इसके पीछे का सच्चाई मैंने आपको बता दिया, और जिसको नहीं पता है उसको भी ये वीडियो शेयर करके बता दो। नाउ नेक्स्ट नंबर 7, ये जो मैं आपको सुपरस्टिशंस बताऊंगा, मतलब ये सुपरस्टिशंस तो नहीं है, ये सच्चाई है और ये आज के टाइम में पालन करना भी चाहिए। अगर आप कहीं भी किसी की अंतिम संस्कार में जाते हो तो उसके बाद आपको वहां से आने के बाद नहाना पड़ेगा, और ये चीजें पहले भी पालन किया जाता था। पहले के टाइम पे ये माना क्यों जाता था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे डेडली वायरस थे, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ऐसे जो खतरनाक वायरस थे, उस टाइम पे उसका टीका आविष्कार नहीं हुआ था। सो इसीलिए पहले के टाइम पे ये नहाने का जो रस्म था ये बहुत ज्यादा चलता था, ताकि खुद को उस मृत शरीर से कोई भी संक्रमण होने से बचाया जा सके। बट ये करना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कोविड की वजह से क्या हाल हुआ था। सो ये आज भी माना जाता है और मानना भी चाहिए, क्योंकि इसका कारण आपको पता है, बट आपको इसके पीछे का रीजन एक्चुअल पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। एंड नाउ नेक्स्ट नंबर 8, आज से बहुत साल पहले बुरे नजर से बचने के लिए नींबू और हरी मिर्च का उपयोग किया जाता था, और आज के टाइम में भी बहुत सारे दुकानों में ये यूज किया जाता है। तो ये जो अंधविश्वास है ये आज के टाइम में आमतौर पर बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है, और ये जो नींबू और मिर्च का उपयोग किया जाता है ये दोनों का अपना अपना गुण है, इसी वजह से इसे उपयोग किया जाता है, और इसका जो दोनों का गुण है वो अलग अलग है, और इसका गुण ऐसा है कि जो नींबू और मिर्च है ये दोनों अलग अलग गंध पैदा करता है। जो गंध हम इंसानों को तो समझ में इतना आता नहीं है, बट कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिसको ये गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसी वजह से ये यूज किया जाता है, ताकि वो कीड़ा ना आए और हमारा जो खाना है वो सेफ रहे, और यही वो एक्चुअल कारण था जिस वजह से ये यूज किया जाता है। इसके पीछे का सच्चाई यही है, और आगे अगर आप किसी भी दुकान पे ऐसा देखोगे तो फिर उनको जरूर ये बताना, क्योंकि सबको सच्चाई पता लगना बहुत जरूरी है। एंड नाउ नेक्स्ट नंबर 9, इंसान पर अगर कभी भी छिपकली गिर जाता है तो फिर उसे अपशकुन माना जाता है। सो इसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि छिपकली खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने शरीर से जहरीली रसायन छोड़ता है, और अगर ये जहरीली रसायन किसी मानव शरीर या फिर भोजन पर गिरता है तो उसे बहुत खतरनाक कुछ बीमारियां या फिर ऐसा ही कुछ चीजें हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी इंसानों पर गिर जाता है तो फिर उसे बहुत जल्दी नहाना पड़ता है, और इसीलिए अगर आप पर कभी भी कोई छिपकली वगैरह कुछ गिर जाए तो फिर जल्दी नहा लीजिएगा, तो यही अच्छा रहेगा। सो आज के लिए बस यही सब था, इतना ही था, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ सुपरस्टिशंस मिस कर दिया तो फिर आप प्लीज कमेंट में बताइए। और हाँ, एक और बात, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे सुपरस्टिशंस के बारे में बात किया है, मतलब उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन और कौन सा सुपरस्टिशन सही है कौन सा गलत है, उस सब के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो इससे पहले बनाया है, और उस सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और बस ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नया जानने को मिला है तो फिर प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट पोस्ट करता हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मैं चलता हूँ, गुड बाय एंड जय हिंद। अपना पर्यावरण का और अपना ध्यान रखना।